अस्सलामुअलैकुम आदाब टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन कप्स बाय नेहा। तो आज मैं अपने पापा की फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर मसाला, जिसके लिए हमने लिए हैं काली मिर्च, सौंफ और साबुत धनिया और साबुत मिर्ची। अब आप देख सकते हो मैंने खाली कढ़ाई गर्म की, अब मैं इसे 2-3 मिनट तक ऐसे भून लूँगी। उसके बाद जब ये भून जाएंगे तो मैं इसे पीस के पाउडर बना के रख लूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं जल्दी से ये डाल सकूँ। तो अब हमने ये बना के रख लिया है साइड में कढ़ाई पनीर मसाला। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस दिन कि कैसा बनेगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, और हाँ मेरे पापा का रिप्लाई क्या होगा। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ बना लीजिए इसी बहाने। तो मैंने यहाँ पे ये प्याज और टमाटर चॉप करके रख लिए हैं, पनीर के क्यूब्स बना लिए हैं, और प्याज और कैप्सिकम को देख सकते हो आप इस शेप में काटना है, और ये दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, 2 तेज़पात के पत्ते और 2 साबुत मिर्च। अब इन्हें हम खाली रोस्ट कर लेंगे। 2-3 मिनट रोस्ट करने के बाद मैं इसमें घी ऐड कर दूँगी। अब घी में इन्हें थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, और जब वो थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो उसी में मैं अपनी प्याज ऐड कर दूँगी। और अपनी प्याज को हम लो फ्लेम पे ही हल्का सा भूनेंगे। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपना जो ढाबा स्टाइल वाला रहता है ना, तो मतलब लो फ्लेम में एक अलग ही टेस्ट आता है। तो ट्राई कीजिएगा कि लो फ्लेम पे ही आप सारे प्रोसीजर जो हैं वो करें। अब ये मेरी प्याज भून गई है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। इससे देखना आप कलर थोड़ा सा मतलब सुंदर सा आएगा, यू नो, टेम्पटिंग सा, ताकि आपको देख के खाने का मन करे। और वैसे भी कढ़ाई पनीर में खड़े मसाले का तो बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही टेस्ट रहता है। अब मेरी प्याज भून गई थी, तो मैंने इसी में टमाटर अपनी ऐड कर दिए, और उसी के साथ मैंने ऐड कर दिया है नमक। नमक मैं हमेशा टमाटर के साथ इसलिए ऐड करती हूँ, ये मतलब टमाटर को गलने के लिए थोड़ा ईजी रहता है और जल्दी गल जाता है। अब मैंने ये अलग से मसाला रख लिया है, इसमें थोड़ा हम धनिया पाउडर जो है थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी, और ये जीरा मैंने भून लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। अब मैंने इसमें ऐड करा है कढ़ाई पनीर मसाला, और जो ये हल्दी, धनिया और जीरा का जो पाउडर था, और ये भुना हुआ बेसन मैंने इसमें ऐड किया है। ये मेरा थोड़ा सा ना जो बेस है हमारी कढ़ाई पनीर मसाला का, वो बनाने में हेल्प करेगा। और इसी में मैंने ऐड कर दिए हैं अपने ये कैप्सिकम और प्याज। अब हम इसे चला रहे हैं, अब इसे हम चला के 2-3 मिनट छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। अब आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है पानी। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें एकदम लिक्विडिटी वाली तो ग्रेवी रखनी नहीं होती है। और उसमें से मैंने ऐड कर दिया है पनीर के क्यूब्स। और हाँ, आप लोग घबराइए मत, अपने मैं ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके लिस्ट और क्वांटिटीज़ जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है कसूरी मेथी। तो आप भी अपना क्वांटिटी वगैरह आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और बाकी प्रोसीजर तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें से आप देख के बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इन्हें ना ढक देंगे और लो फ्लेम पे ही रखेंगे, ये आप मत भूलिएगा। अब मैंने इसे रख दिया है लो फ्लेम पे, तो अब मैंने 5 मिनट बाद इसे खोल के देखा, आप देख सकते हो कितना अच्छा सा लग रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। बस मैं इसे बंद करने वाली हूँ, जल्दी से बटर ऐड कर दिया है मैंने। अब मैंने फटाफट से इसे प्लेट में निकाला, मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है। आप भी जल्दी से बनाओ और अपने घर वालों को भी खिलाओ। इट्स सो यम यार, कांट वेट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर टेस्टी टेस्टी डिशेस। थैंक यू।